हेलो फ्रेंड्स, यह लेसन नंबर 15 और इस लेसन में सीखेंगे इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि यह कंडीशन चेक करता है। ओके, तो सी और सी प्लस प्लस में आपने सीखा था इफ एल्स, तो ऐसे ही सेम सिंटेक्स आती है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो इफ एल्स के चार कैटेगरी है, सिंपल इफ, इफ एल्स, लेडर इफ एल्स एंड इनर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो चारों के चारों कैटेगरी हम अभी समझाएंगे आपको। ओके, तो इफ स्टेटमेंट किसे कहते हैं, देखो, द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर आपको कंडीशन देनी है। ओके, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट जो है वो रन होंगे। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो इफ लिखने के लिए आपको लिखना है इफ कीवर्ड कंडीशन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। ओके, इसमें एल्स नहीं आता है। देखो इसका एग्जाम्पल, इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10। ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये आउटपुट आएगा, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। ये होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसके लिए। ओके, लेसन 15 इफ एल्स। ओके, चलो तो यहाँ पर मैं इंटीजर ए इक्वल टू 10 लेता हूँ। ओके, इंटीजर बी इक्वल टू 5 लेता हूँ मैं। ओके, अब इफ लिखना है आपको ब्रैकेट के अंदर, ये राउंड ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ओके, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसका मतलब है कि यदि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, बड़ी है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन आउटपुट को होल्ड करने के लिए। ओके, देखिए इसका आउटपुट ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो यदि मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज करता हूँ बी ग्रेटर देन ए, ओके, तो बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 10, तो बी ग्रेटर देन ए कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, तो देखिए क्या होगा, कोई भी ये आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये इफ, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है इफ स्टेटमेंट की। ओके, अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स में क्या होता है, देखिए इफ देन कंडीशन, तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक जो है वो रन होगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो रन होगा। ओके, यानी इसमें दो चीज़ें आती है, कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा ब्लॉक रन होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा ब्लॉक रन होगा। ओके, देखिए एग्जांपल, इफ ए ग्रेटर देन बी। ओके, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा है वो रन होगा। ओके, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम इसको, मैं कमेंट दे देता हूँ इतने पार्ट को। ओके, और यहाँ पर वापस से लिखता हूँ मैं, इफ बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज
ग्रेटर देन बी। ओके, अब एल्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एल्स कीवर्ड लिखना है आपको, फिर ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर लिखना है कॉन्सोल डॉट राइट लाइन बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो ये बन गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5, तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन ए, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। ओके, बी ग्रेटर देन ए कंडीशन फॉल्स होती है, तो कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, बी इज ग्रेटर देन ए वाला स्टेटमेंट। ओके, तो ये सिंपल सा कोड है इसका, देखिए ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, कंडीशन फॉल्स तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ओके, देखिए आउटपुट में क्या आता है, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो ये आउटपुट में आता है। ओके, तो ये कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, अब ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, कंडीशन चेंज, तो ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, तो अब आउटपुट आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, सिंपल, तो ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा। ओके, इफ एल्स। अब देखते हैं कि तीसरी कैटेगरी, ओके, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इफ देन कंडीशन रखनी होती है, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ यानी कि दूसरी कंडीशन चेक होगी, यदि ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो तीसरी कंडीशन जो है वो चेक होगी। तो इफ एल्स इफ एल्स इफ, ये इफ एल्स लैडर बोला जाता है इसे। ओके, इफ एल्स लैडर। ओके, तो ये देखा था हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे इफ एल्स लैडर। ओके, तो उसमें क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 1। ओके, अब इफ एल्स लैडर में सबसे पहले इफ लिखना है, देन कंडीशन ए इक्वल टू 1। ओके, मैंने ये कंडीशन लिख दी, फिर मैं लिखता हूँ एल्स स्पेस इफ। ओके, ए इक्वल टू 2, ये दूसरी कंडीशन ली मैंने। ओके, फिर मैं यहाँ पर तीसरी कंडीशन लेता हूँ, एल्स इफ ए इक्वल टू 3, ठीक है, और लास्ट में मैं एल्स स्टेटमेंट लिखूँगा, और एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, पर मैं लिखूँगा यहाँ पर एल्स। ओके, तो देखिए यदि ए की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन हो गए, यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन मैं लिखता हूँ यहाँ पर संडे। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन संडे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड मंडे, तो इस तरीके से बेस्ड ऑन कंडीशन आप डे के नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, ये है ट्यूसडे, और यहाँ पर एल्स में, यानी कि एल्स में क्या लिखूंगा मैं, एंटर प्रॉपर वैल्यू। ओके, देखिए ए की वैल्यू 1 है। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आउटपुट क्या आएगा, संडे आएगा आउटपुट। ओके, देखिए पहले ये संडे आ गया। ओके, अब ए की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, 2 कर देता हूँ। ओके, तो ये कंडीशन देखिए, ए इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी, ए इक्वल टू 2। ओके, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो क्या होगा, मंडे डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से जो भी कंडीशन फॉल्स होती जाएगी वो
उसको स्किप करता जाएगा और कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी इसमें। ओके, यदि आप 1, 2 और 3 इसके अलावा कोई भी वैल्यू लेते हैं वेरिएबल ए की, तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा है वो रन होगा। ओके, अभी देखिए ए की वैल्यू 2 है तो क्या डिस्प्ले होगा? मंडे। ओके, अब ए की वैल्यू में 5 कर देता हूँ। ओके, ए इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। ओके, तो तीनों के तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो क्या होगा? एल्स में जो लिखा होगा वो रन होगा। ओके, देखिए एंटर प्रॉपर वैल्यू। तो इस तरीके से ये काम करता है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। ओके, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और उसी का स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, बाकी का स्टेटमेंट नहीं रन होगा। ओके, सॉरी। अब देखते हैं 4 नंबर की कैटेगरी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? इफ के अंदर दूसरा इफ रखना। ओके, उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, देखिए इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। अब यहाँ से आप कमेंट बल्क में दे सकते हो, सिलेक्ट करके ये कमेंट। ओके, तो देखते हैं अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ ए इज ग्रेटर देन 1। ओके, कंडीशन, उसके अंदर दूसरा इफ लिखता हूँ मैं इफ ए इज ग्रेटर देन 3। ओके, तो ये हमारा बन गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन। ओके, देखो ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ए इज ग्रेटर देन व्हेन 1 ट्रू। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर ये दूसरी कंडीशन फिर चेक होगी, ए की वैल्यू 3 से बड़ी है या नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर लिखेंगे हम ए इज ग्रेटर देन 1 एंड 3। ओके, इस तरीके से, तो ये होता है नेस्टेड इफ, इफ के अंदर दूसरा इफ लिखना। ओके, देखिए आउटपुट इसका ए इज ग्रेटर देन 1 एंड 3। ये देन का स्पेलिंग गलत है। ओके, तो यहाँ पर आप एल्स पार्ट भी लिख सकते हो एल्स। ओके, और यहाँ पर भी एल्स पार्ट आप लिख सकते हो एल्स, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर भी आप एल्स लिख सकते हो, बाहर वाले इफ के लिए भी यहाँ पर एल्स लिख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये है 4 कैटेगरी इफ एल्स स्टेटमेंट की। ओके, सबसे पहले हमने सिखाया सिंपल इफ। ओके, सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर सिर्फ कंडीशन आती है और कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट रन होंगे, गलत है तो नहीं होंगे रन। फिर दूसरी कैटेगरी इफ एल्स, तो इसमें क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन होगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन होगा एल्स वाला। ओके, फिर देखा हमने इफ एल्स लैडर, तो इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी। ओके, और वो स्टेटमेंट ही रन होगा, तो यदि ए इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी के स्टेटमेंट चेक नहीं होते। ओके, और यदि कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स में जो लास्ट में लिखा होगा वो रन होगा। और ये है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट। अब इसके अंदर भी आप इस इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो यदि लिखना है तो। ओके, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।